गुड मॉर्निंग। अभी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11:30 बजे। कल हम बहुत ही लेट आए, 3:30 बज गए थे ना। 3:30 बज गए थे। और पब इतना मस्त था ना, लोग नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि अभी वो मेरा मोस्ट फेवरेट हो गया है। और पास में, क्योंकि वाकड़ से SB रोड थोड़ा पास में कंपेयर टू बरेगांव पर, और पूरा खाली था ना रोड, फटाक से पहुंच गए थे। हाँ, वो चीज अच्छी है कि यहाँ पे गेस्ट लिस्ट 12 बजे तक जा सकते हैं। हाँ, और मतलब 12 बजे तो मतलब बंद हो जाती है, 11 से 12 घंटा ही होती है। और जबरदस्त, मतलब स्पेस भी अच्छा खासा बैठने के लिए, तो बाप रे बहुत सारी जगह है बैठने के लिए अगर आप थक गए तो। क्राउड भी जबरदस्त, और स्पेशली अगर आप इंग्लिश या म्यूजिक के लवर्स हो तो फिर आपके लिए बेस्ट प्लेस है। और JW तो आई थिंक पुणे में जो रहे थे उनको पता ही होगा, JW 5-star होटल है। उसमें मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम का मैच भी होता है तो इंडियन टीम भी JW में वहाँ पे, तो उसके ग्राउंड फ्लोर पे ही। मस्त था। नीलेश अभी ना पराठा खा लिया, कल उसका शनिवार था तो भूखा था, वो कल से 3 पराठे ठूस लिए उसने। तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। आज क्या करना है? ए चकले, टीवी देखना है, खाना है, पीना है, टीवी देखना है, बस नहीं। वो तो मैंने गेस्ट लिस्ट में नाम डाल दिया था, और नीलेश को भी दिमाग में ऐसे बैठा कि नहीं ये तो कुछ अलग है, जाना चाहिए, इसलिए आया है ना। और वैसे भी प्लान था ना हमारा पहले मायामी में जाने का प्लान, अभी मायामी की जगह पे ही है वर्ल्ड कप, और ऐसे फ्री में भी एंट्री हो गई। थैंक्स। ऊपर से वो DJ भी था इसीलिए। हाँ, नीलेश का फेवरेट DJ यंग मैडी अच्छा बजाता है। उन्हें मैं आई थिंक एक ये यंग मैडी और कौन, विकास केसर, ये दो DJ बेस्ट लगे। बाकी कोई कोई, बाकी इतने ज्यादा पहचान में नहीं है, बट कोई कोई के अच्छे, कोई कोई नहीं है। कोई कोई तो ऐसे है कि अभी भाग जाना है बस। स्टार्टिंग से हिंदी सॉन्ग में वो एल्ड्रो में हो गए थे, मतलब हिंदी सॉन्ग मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद भाई। पार्टी में मेरे पैर में, मैं हिला ही नहीं सकती पैर मेरे। नहीं तो पब में क्या होता है कि लास्ट में एंड पे हिंदी सॉन्ग बजाते। नीलेश का ऐसा होता है कि कोई DJ ऐसा नहीं है कि लाइक उसके पैर ऐसे हिला सके, एक ये DJ यंग मैडी के अलावा, वरना वो ऐसे पुतले की तरह खड़ा रहता है साइड में। मेरा ऐसा नहीं है, मैं एंजॉय करती हूँ हर मोमेंट, ऐसा नहीं है फिर पसंद है कि नहीं है, फिर डांस करते रहते हैं। बट इससे ये हिलता है लाइक इसके पैर ना ऐसे स्टेचू की तरह खड़ा नहीं रहता है, फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि यार इसको मजा नहीं आ रहा है, बट इसको मजा आता है तो फिर पता चल जाता है ना, है ना, मजा आई है पाले तो। चलो गाइस खाना खा लो। और यहाँ पे खरगोश गाजर खाता हुआ। मैं भी खाती हूँ। आज मुझे ना आलस आ गया सैलेड बनाने में, तो ऐसे रोई खा लिया और काकड़ी खत्म हो गई है पूरी, ये लास्ट थी। कैरेट्स, गाजर, जब वहाँ पे रहते हैं गांव में, कैरेट्स हर बार रहता है विंटर में, कितना भी खा लो। एनिमल्स के लिए डालते हैं, एनिमल्स को खाने के लिए। वहाँ पे हमारे एनिमल्स खाते हैं गाजर मुफ्त में इतने सारे, वो भी। नीलेश फिर से ट्राई कर रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच है जो अहमदाबाद में, उसकी
इस बार कंफर्म हो जाएगा कुछ झोले की नहीं है ना। झोल का नहीं, मतलब इसके पहले हमने ट्राई किया था इंडिया बांग्लादेश का जो पुणे में मैच है, तो उसमें तो हुआ नहीं। एक्चुअली सीन ये है, इसमें लाखों यूजर एक साथ ट्राई करते होंगे, तो इसमें बैकएंड में पता नहीं कुछ झोल भी हो रहा है क्या सीन। ये मैच में देखते हैं, ये मैच में तो आज 3rd September है, अभी 5 मिनट बाकी, 8 बजे स्टार्ट होगा। इसमें तो लाखों लाखों नहीं शायद करोड़ों लोग भी होंगे ट्राई करते होंगे, तो देखते हैं। वैसे अहमदाबाद में जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच, वो भी वर्ल्ड कप का, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वहाँ का कैपेसिटी 1,30,000। इनकेस अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से देख भी सकते हैं, बट देखते हैं, हमारा ऐसा कुछ देखने का ऐसा फिक्स नहीं है, ये बस ट्राई ट्राई करते हैं, बुक होता है कि नहीं। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 99% चांस नहीं है, 99 भी नहीं, 99.99, 0.1% बोल सकते हुआ तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। लैपटॉप में से इसलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि शायद उसका ना जल्दी प्रोसेस होता होगा ना वेबसाइट से। हाँ, मोबाइल से कंपेयर टू ऐप। हमने 2-3 बार तो ट्राई किए, एक भी मैच में लाइक पुणे का जो था उसमें भी नहीं, बेंगलोर का तो हमने ऐसे ही किया था ना ट्राई, ऐसे ही ट्राई किया था बट वो भी नहीं हुआ। सो लेट्स सी, मुंबई का भी किया था, पुणे का भी किया था 3 times ना, बेंगलोर पुणे मुंबई, वो तो ऐसे ट्राई करने के लिए। हो जाए तो मजा आ जाए है ना। इम्पॉसिबल जैसी चीजें क्लेश ने ना इसमें फोन में टाइमर लगाया हुआ है ये मतलब इसमें शायद प्रॉपर टाइम नहीं है, तो इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सॉरी इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से IST टाइम मैंने लगा कर रखा है। एक बार क्लिक तो कर, अरे अभी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है कितना। सो अभी ना एस्टिमेटेड टाइम भी नहीं दिखा रहा है। हाँ, अभी टाइम नहीं दिखा रहा, अभी बोल रहा है कि यू आर इन द क्यू एट द मोमेंट, टिकट्स आर वेरी लिमिटेड, सो एज दोज़ अहेड ऑफ यू आर, अभी है 2 hours मोर देन 2 hours। ये झूठ है, ये झूठ है, ये भी गया हाथ में से समझ लो। हाँ, पता नहीं अभी, मतलब हो सकता है कि कुछ 50-70% टिकट्स देते होंगे, बाकी बैकएंड से कुछ ब्लैक में ऐसे भी कुछ हो सकता है, देखते हैं। तो टिकट हुआ नहीं पहले कितना 2 घंटा वेट टाइम में क्यू में डाला, फिर क्यू टाइम खत्म होने के बाद सोल्ड आउट। आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कुछ शायद, क्योंकि बैकएंड में कुछ झोल होता रहेगा, कुछ टिकट्स फिर बाद में ब्लैक में बेचेंगे। अभी इंडिया के जितने भी ग्रुप स्टेजेस के सारे मैचेस हैं, सारे मैचेस सोल्ड आउट दिखा रहे हैं बुक माय शो में, और सेमीफाइनल फाइनल के शायद अभी आगे बुक होंगे, बाकी इंडिया के सारे मैचेस का सोल्ड आउट हो गया। अभी किसी को अभी देखने जाना है टिकट नहीं है तो ब्लैक में मिलेगा तो जा सकते हैं बाकी पता नहीं बुक माय शो में क्या मतलब सीन हुआ है, कुछ बीच में पहले 1-2 बार क्रैश भी हुआ था, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है झोल है कुछ, तो मतलब ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते बट ऐसा, क्योंकि नहीं तो इतना पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट 8 बजे लोग ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी इतना क्यू में डाल रहे हैं, बाद में सोल्ड आउट, वैसे डिमांड भी ज़्यादा है बट कुछ तो मतलब कुछ तो कुछ परसेंटेज रखा होगा बैकेंड में।
बाद में किसी को ब्लैक में बेच, कोई बात नहीं, घर पे देखेंगे। हाँ अभी तो वही ऑप्शन।